कुछ फेक नरेटिव्स तैयार किए जा रहे हैं, फॉक्सकॉन का हो या एयरबस का हो। मैं इस बारे में सारे कागजात लेकर यहाँ पर आया हूँ कि ये कब गए हैं, पेपर की न्यूज़ लाया हूँ। जो प्रकल्प मार्च 21 में ही गुजरात चला गया, जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की MVA की सरकार थी, आज बताया जा रहा है कि वो प्रकल्प हमारे समय गया है। सैफरान का जो प्रकल्प एक साल पहले शुरू हो गया, वो बताया जा रहा है, जो हैदराबाद गया वो बताया जा रहा है कि हमारी सरकार में गया। जो महाराष्ट्र को मिले ही नहीं थे, ऐसे बल्क ड्रग पार्क या मेडिकल डिवाइसेस पार्क, इनके बारे में झूठा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। एक प्रकार से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। वे अपनी सरकार जाने से इतने आहत है कि अब वो किसी भी प्रकार से हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते, चाहे इस बदनामी में महाराष्ट्र बदनाम हो जाए, चाहे महाराष्ट्र से निवेशक दूर हो जाए, चाहे महाराष्ट्र की साख पर बट्टा लगे, उनको इससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन वो जितने झूठे नरेटिव फैलाएंगे, उनका हर झूठ हम बेनकाब करेंगे। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, 2 साल में महाराष्ट्र को नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम फिर बनाएंगे। आज भी महाराष्ट्र आगे ही है, थोड़े नंबर्स में हम पिछले 2 साल में पिछड़ गए, लेकिन उसको फिर एक बार नंबर 1 पर ले जाने का संकल्प हमने किया है और वो हम करके दिखाएंगे। सर, आपने कहा है 2 साल में महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाएंगे, तो इसका रोड मैप क्या होगा? एक सेकंड, जो बॉटलनेक्स है उसे दूर करने की क्या योजना है? देखिए, रोड मैप जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट का होगा, और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंडस्ट्री 4.0 हो, फूड प्रोसेसिंग हो, ऐसे सेक्टर्स हमने ढूंढे, उन सेक्टर्स में हम बड़े पैमाने पर निवेश लाएंगे और एक इकोसिस्टम उसकी तैयार करेंगे। सबसे महत्व की बात यह है कि निवेशक तब आता है जब उसको यह ध्यान में आता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर उसका निवेश सेफ है, जो पिछले सरकार में उसको लगता नहीं था। जिस प्रकार की वसूली वहाँ होती थी और जिस प्रकार के कांड सामने आए, उसके कारण निवेशक महाराष्ट्र से थोड़े दूर गए थे। वही निवेशकों का विश्वास हम लोग फिर तैयार करेंगे। देवेंद्र जी, आप जब भी बाहर, अभी सूरज कुंड के दौरान 3 दिन बाहर थे, उस दौरान 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और सरकार के ऊपर टिप्पणी की गई। इसके बाद, इसके पहले भी जब फॉक्सकॉन गई थी, तो आप उस समय विदेश में थे जिस समय ये सारी टिप्पणी हो रही थी। आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो चीज़ माननी चाहिए या जो चीज़ लोगों से मिले, डिले हो रहा है, इसके कारण ये सारा फेक नैरेटिव तैयार हो रहा है? नहीं, देखिए, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी लेट हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं सूरज कुंड में था। लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से सफाई देने का प्रयास भी किया। इसमें देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग फेक नरेटिव की फैक्ट्री चलाते हैं, और उस फैक्ट्री में अगर चुनिंदा 4-5 पत्रकार भी ऐड हो जाए, तो ये फैक्ट्री ज़्यादा तेज़ी से चलती है। लेकिन मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में कम से कम 95% हमारा जो मीडिया है, इसके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो वो सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक ले जाता है। आज सही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो लोगों तक ले जाइए। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जब से आपकी सरकार है, तमाम प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं, इसी गुजरात में प्रोजेक्ट भेजने के लिए ये पूरा कांड रचा गया था। जब मेरा उनको ये सवाल है, ये सारे प्रोजेक्ट तो उनके ज़माने में गुजरात में गए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंडस्ट्री उनकी सरकार के रहते गुजरात जाना चाहे, तो क्या वो रोक सकते हैं? कोई अधिकार है उनको? ये कमर्शियल डिसीजन होता है। इसमें आपको उस इंडस्ट्री के पीछे लग के, उसका हैंड होल्डिंग करके, उसको ज़्यादा शॉप्स देकर, उसको अपने पास रखना पड़ता है। अभी उनको पता ही नहीं है, जिनको वसूली करना ही पता है,
उनको लोगों को देकर कैसा लाया जाता है थोड़ी मालूम होता है।